तुर्की की राजधानी अंकारा में बीते दिन सरकारी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी पर हमला हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं राव अवतार पांडे। हमले की जानकारी देते हुए तुर्की के गृह मंत्री अली अलकरिया ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और इसके पीछे PKK यानी कुर्दिश वर्कर्स पार्टी का हाथ होने का शक जताया है। हालांकि तुर्की के गृह मंत्री ने हमलावरों के PKK से जुड़े होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन PKK को इसके पीछे जरूर माना है। स्थानीय मीडिया ने एक जोरदार विस्फोट की सूचना दी और तुर्की की राजधानी अंकारा में घटनास्थल पर गोलीबारी के फुटेज दिखाए। हमलावरों में पुरुष के साथ एक महिला भी शामिल थी। हालांकि अभी तक PKK ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। दरअसल टूरशास यानी तुर्की एयरोस्पेस तुर्की में मिलिट्री और सिविल प्लेन्स बनाती है। इस कंपनी द्वारा बनाए ड्रोन्स ने तुर्की को मिलिट्री वेपन के एक्सपोर्ट में बढ़त दिलाई है। ये तुर्की के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। टूरशास पर इस तरह का हमला कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि तुर्की सरकार इस गुट पर हमले का आरोप क्यों लगा रही है, इसका तुर्की से क्या टकराव है। तुर्की के गृह मंत्री के अलावा 2 और नेताओं ने हमला होते ही PKK पर ही उंगली क्यों उठाई। दरअसल सन 1978 में अब्दुल्ला ओकलान ने तुर्की में कुर्दों के हकों की लड़ाई लड़ने वाले गुट के तौर पर इसे बनाया था। PKK खुद को तुर्क के कुर्दों के लिए ज्यादा राजनीति सांस्कृतिक अधिकार हासिल करने की लड़ाई लड़ने का दावा करता है। शुरुआत में PKK मार्क्सवादी लेनिनवादी का सोच का गुट था, जो बाद में कुर्दों के राष्ट्रवादी आंदोलन के तौर पर उभरा। PKK ने सन 1984 में कुर्द स्वायत्तता के लिए लड़ते हुए एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था। इसके नतीजे में PKK का तुर्की स्टेट के साथ एक लंबा और खूनी संघर्ष चला। इस पूरी लड़ाई में हजारों लोगों की जान गई। PKK लिए कहा जाता है कि ये तुर्की सरकार और सेना के ठिकाने को निशाना बनाते हुए लगातार एक गुरिल्ला युद्ध जारी रखे हुए है। वहीं तुर्की इसे एक आतंकवादी संगठन मानती है। बीते दिन टूरशास यानी तुर्की एरोस्पेस पर हुए हमले के तरीकों को देखते हुए तुर्की के गृह मंत्री अली अलकरिया ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया और PKK पर जबरदस्त कार्रवाई करने की बात कही। बता दें, मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगन के शासन में कुर्दों और PKK के बीच असंतोष बढ़ा है। तुर्की के मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के बाद तुर्की एयरफोर्स ने घटनास्थल पर एरियल व्यू लिया। वहीं सीरिया और इराक में कुर्दिश ठिकानों पर बम बरसाए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए punjabkesari.com के साथ। धन्यवाद।